हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम था, 4 फरवरी सेकंड शिफ्ट में क्या क्या सवाल पूछे गए इन लोगों से, कितने अटेम्प्ट किया आपने? 69। आपने? 78। अच्छा, करंट और जीएस की बात करें, किससे के सवाल थे? जो है एंसेंट जो हिस्ट्री थी उससे रिलेटेड थे। जैसे कि अपना एक क्वेश्चन था अपना ये कि पहले भारत रत्न किसको मिला था, प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत ने किसको मिला था, ठीक। एक ऐसा क्वेश्चन था कि देवी अहिल्याबाई होलकर जो है एयरपोर्ट अपना कहाँ पे है, इसरो से संबंध, हाँ श्री हरिकोटा से वो लॉन्च किया गया था, कौन सा जीएस 16 करके कुछ ऐसा था, तो वो कहाँ से लॉन्च किया गया पूछा गया। अरे कंप्यूटर से रिलेटेड? हाँ कंप्यूटर में था, जैसे कि हार्ड डिस्क है और ये रैम है और कीबोर्ड है और मदरबोर्ड, इसमें से पूछा गया डिफरेंस क्या था, तो वही बताया गया। फिजिक्स केमिस्ट्री से? फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं, फिजिक्स से सिर्फ हेनरी बैकुरल वाले था कि हेनरी बैकुरल ने किसकी खोज की थी, हेनरी बैकुरल ने किसकी खोज की थी, जो कि ये अवरक्त किरणें थी, परावैगनी किरणें थी और क्या था, दो और ऑप्शन थे, एक्सरे था, इस टाइप से एक क्वेश्चन ये था हेनरी बैकुरल वाला था। हाँ डांस से था, सिक्किम का डांस था, छऊ का, मतलब सिक्किम का पूछा गया था कि कौन सा था, और एक जो माइकल जैक्सन के साथ कोई इंडियन डांसर उसमें कौन है, माइकल जैक्सन का एक ब्लैक एंड वाइट करके एक है ड्रामा, मतलब डांस है कंपटीशन, तो उसमें पूछा गया था कि आपका इंडियन उसमें कौन है डांसर, उसमें उनके साथ उस स्टेज पे इंडियन डांसर कौन था, माइकल जैक्सन का ब्लैक एंड वाइट मुझे याद है। कुछ योजना वगैरह पूछी? हाँ योजना, दो योजना पूछी, एक तो अपनी जवाहर योजना पूछी गई, जवाहर ग्राम योजना कब स्टार्ट हुई थी, और एक और योजना थी वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, एक तो दो योजनाओं पर, दो तीन योजनाएं कम से कम, तीन योजनाएं कम से कम। हाँ ये हिमालय का, हिमालय से रिलेटेड था, इसमें पूछा गया था शिवालिक वगैरह है जो है ना, कि हिमालय की एक श्रेणी जो है धौलावीरा के साथ उसको किसके साथ ऐड किया जाता है, तो शिवालिक था और ट्रांस हिमालय है, इस टाइप का क्वेश्चन था हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन। बायो से? कोई बायो से थे क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन थे बायो से, फिजिक्स मतलब यही फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री थी कुल मिला के, जैसे कि अपने बायसराय से रिलेटेड था कि किसने सिविल सेवा स्टार्ट की थी सबसे पहले। अच्छा ये पूछा, ये क्वेश्चन था, जैसे उस ऑप्शन में थे कार्नवालिस थे, हॉर्डिंग थे, कर्जन थे, इस टाइप के लोग थे। फ्रीडम मूवमेंट से था क्या? फ्रीडम मूवमेंट से नहीं था, बस इतना ही पूछा गया था, एक तो वो प्राइज वाला था आपका अवार्ड, वो भारत रत्न किसको दिया गया था पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले किसको दिया था? अच्छा आप थोड़ा सा मैथ का बात कर लेते हैं, मैथ में किस तरीके के सवाल थे उसका दिया था? 88 उसका डायमीटर दिया गया था और नंबर ऑफ सर्कल पूछा गया था, नंबर ऑफ राउंड्स उसके निकालने थे, ठीक है, रेडियस दी गई थी, नंबर ऑफ राउंड्स निकालने थे उसको फाइंड आउट करके, और मैथ्स में तो एलसीएमएससीएफ के थे कि एक में था क्या, दो संख्याओं का योग दिया गया था, दोनों संख्याओं का एलसीएम और एलसीएफ दिया गया था, और उसे पूछा गया था इनके व्युत्क्रमों का योग यानी कि रिवर्स पूछा गया था, है ना, ठीक। अच्छा और इससे प्रॉफिट एंड लॉस से? हाँ प्रॉफिट लॉस से था, एक तो सीआईएसआई का याद है 1200 रुपये का निकलवाया गया था, 12% ब्याज की दर थी और 6 महीने का टाइम दिया गया था, और पूछा जा रहा था कि त्रैमासिक ब्याज दे था तो उसमें कितना निकलना था, तो इस हिसाब से यही क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन किए, दो समकोण त्रिभुज बनाए, मतलब एक द्विबाहु समकोण त्रिभुज था और कर्ण उसमें निकालना था, दो मतलब समकोण द्विबाहु समकोण त्रिभुज था, कर्ण उसमें फाइंड आउट करना था, दोनों भुजाएं दी गई थी, तो क्षेत्रफल उसका दिया गया। अलजेब्रा मेंसुरेशन? अलजेब्रा मेंसुरेशन से थी क्वेश्चन था, मेंसुरेशन का यही कर्ण वाला था मैंने बताया आपको, इस टाइप के था, और बाकी सर्कल से दो ट्रिग्नोमेट्री से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, सर्कल से दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, सर्कल से एक तो पूछा गया था उसमें कि कुछ उसमें रेडियस दी गई थी और एक चाप उसमें लगाया गया था और उसमें दोनों कोणों का मान पूछा गया था इस तरीके से, और एक क्वेश्चन था षष्ठभुज सम अष्टभुज और सम पंचभुज, दोनों कोणों के मान जो हैं, सम पंचभुज का मान निकालना था और सम अष्टभुज का मान निकालना था, ठीक है, और दोनों कोणों का जो है रेशियो निकालना था दोनों का। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस? हाँ टाइम एंड डिस्टेंस का था कि एक कुछ दूरी इतने किलोमीटर के हिसाब से तय करती है और कुछ दूरी इतने टोटल, हाँ नहीं नहीं एक कोई सवारी है जो इतने किलोमीटर के हिसाब से चलती है और इतने किलोमीटर 11 घंटे में टोटल दूरी चलनी थी उसको, तो पूछा गया था ये दूरी कितने कितने अलग थे, एक तो ये था, एक था एक चूहा मतलब एक बिल्ली जो है वो भाग रही है पीछे से कुत्ता भाग रहा है, कुछ 280 मीटर की डिस्टेंस दी गई थी बीच में और फाइंड आउट करना था उसमें कि कितनी देर में उसे पकड़ लेगा। नंबर सीरीज का था, दो क्वेश्चन थे नंबर सीरीज से, वर्ड मास से दो तीन क्वेश्चन वर्ड मास के थे, वर्ड मास के तीन क्वेश्चन थे उसमें फाइंड आउट, बोर्ड माउस के थोड़े लेंथी इसलिए थे कि चारों ऑप्शन से फाउंड आउट करने पड़े थे डायरेक्ट। अब रीजनिंग पे बात करें तो रीजनिंग किस तरीके की है? रीजनिंग थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की आप बोल सकते हैं, रीजनिंग में क्या था आपका
कि दो स्क्वायर बॉक्स वाला जो आता है जिसमें पजल टाइप की होती है वो थी, और दो पजल थी एक्चुअल में जिस, लेकिन पजल का मतलब ये नहीं था कि चार पांच क्वेश्चन हो, पजल से एक एक क्वेश्चन दिया जा रहा था दोनों पजल से, ठीक है। हाँ ये मतलब पजल ठीक थी, जैसे कि 7 लेडीज़ हैं 7 जेंट्स थे, 7 कलर के अलग अलग ये टी शर्ट पहनते हैं, और फाइंड आउट करना था कि किसका पेयर बन रहा है किसका नहीं बन रहा है। इस टाइप के दो पजल के थे, दो बॉक्स के थे, दो नंबर, दो सीरीज़ थी, नंबर सीरीज़ टाइप की थी, और यही इस टाइप के क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट में हाँ एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था स्टेटमेंट आर्गूमेंट में, हाँ दो दो क्वेश्चन स्टेटमेंट आर्गूमेंट के थे, और एक क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड था, मतलब तीन क्वेश्चन लगभग मान के चलिए आप, तीन क्वेश्चन का था सवाल याद है किस तरीके का। हाँ वही पूछा जा रहा है, कुछ चूहे बिल्ली हैं और कुछ जो है कुत्ते हैं, तो इस तरीके से पूछा गया कि क्या सारे कुत्ते इस टाइप में, नहीं कुछ चूहे बिल्ली हैं या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन कथन निष्कर्ष में आया था वही आपका स्टेटमेंट वाला। हाँ एक था क्वेश्चन, कुछ एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का भी था एक क्वेश्चन, आ रहे हैं लगभग सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। तो देखा दोस्तों किस तरह के सवाल रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर की बात की जाए तो करंट अफेयर पिछले सालों का करंट अफेयर ज़्यादा देखने को मिला है इस साल की अपेक्षा, वहीं हिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल लगातार देखने को मिल रहे हैं, हिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल काफ़ी देखने को मिले हैं। इसके साथ ही साथ जो कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल हैं लगातार आ रहे हैं, इस शिफ्ट में भी देखने को मिले, करीब 2 से 3 सवाल कंप्यूटर से रिलेटेड हर शिफ्ट में देखने को मिले, इस शिफ्ट में भी थे। वहीं जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं उसे वहां से परचेज़ कर सकते हैं, बेस्ट सेलर की कैटेगरी में वो बुक आ चुकी है। इसी के साथ साथ जो लोग हमारी ई बुक लेना चाहते हैं करंट अफेयर की, तो वो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से उसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।